आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जब बलात्कार रोका ना जा सके तो लेटो और मजे लो। जी हाँ, आप कहेंगे कि आखिरकार ऐसा कौन कह सकता है। अगर हम ये कहें जनता का ऐसा चुना हुआ प्रतिनिधि जो कि उस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हो और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हों, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, कांग्रेस विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने ही ये बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी की है, वो भी विधानसभा में। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में बाढ़ और उससे हुए फसलों को नुकसान को लेकर चर्चा चल रही थी और विधायक बहस की मांग कर रहे थे और विधानसभा में इसे लेकर जोरदार हंगामा हो रखा था। स्पीकर ने विधायकों को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। इसके बाद स्पीकर हेगड़े ने कहा कि रमेश कुमार, आप जानते हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे इस स्थिति को एंजॉय करना चाहिए। मैंने तय किया है कि अब किसी को भी रोकने और स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करूंगा, आप लोग चर्चा करिए। फिर क्या था, कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने दे दिया ये विवादित बयान। उन्होंने कहा कि एक पुरानी कहावत है, जब बलात्कार को रोका नहीं जा सके तो लेटिए और मजे लीजिए। अभी आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। अब इस पूरे बयान पर रमेश कुमार बुरी तरह भिड़ गए हैं। उनकी ही पार्टी की महिला विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर करते हुए सदन से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है। एक और कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी ने भी कहा है कि ठीक नहीं है और माफी मांगने की जरूरत है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब रमेश कुमार ने इतनी असंवेदनशील टिप्पणी की हो। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने फरवरी 2019 में जब वो विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि वो रेप विक्टिम की तरह महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी स्थिति एक बलात्कार पीड़िता की तरह हो गई है। बलात्कार एक बार होता है, अगर आपने इसे वहीं छोड़ दिया तो ये वहीं बीत जाता है, लेकिन जब आप शिकायत करते हैं कि आपके साथ दुष्कर्म हुआ है तो आरोपी को जेल में डाल दिया जाता है। उसके वकील पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी बार हुआ। दुष्कर्म एक बार होता है लेकिन कोर्ट में 100 बार होता है और ऐसी ही मेरी स्थिति है। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेसी विधायक रमेश कुमार का ये आपत्तिजनक बयान सामने आया है और इसको लेकर अब उनकी खुद की पार्टी की महिलाएं ही माफी मांगने की बात कह रही हैं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।